मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरा कृष्ण विहार का जो एरिया है, जहाँ पर पिछले 30 सालों में कभी सीवर लाइन नहीं पड़ी थी, आज उसमें हम लोग सीवर लाइन डाल रहे हैं। हमारे न्यूज फॉर सिटीजन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर सिटीजन। अभी हम बवाना विधानसभा के अंतर्गत हैं और ये पड़ता है बवाना विधानसभा क्षेत्र, और हमारे साथ हैं जय भगवान उपकार जी, जो कि बवाना विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। और ये करीब 2 साल पहले ही 2020 में यहाँ चुनाव हुआ था और उस अवधि में इनका चयन किया गया था बवाना विधानसभा क्षेत्र से, और इनकी जीत भी हुई थी। हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि 2 साल के अंतर्गत में इन्होंने क्या क्या कार्य किया है। हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि यहाँ का जो भी समस्याएं हैं, तमाम समस्याएं हमने यहाँ का जानने की कोशिश की है, तमाम को हम कवर भी किए हैं और उनके समक्ष आए हैं कि आपने इन इन मुद्दों पर काम किया है या नहीं किया है, तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे बड़ी यहाँ की समस्या रही है, जैसे हम क्षेत्र में गए, क्षेत्र का भ्रमण किए, तो वहाँ बहुत सी ऐसी समस्याएं हमारे समक्ष आए। पहले तो ये बताइए सर कि आप अपने क्षेत्र जब भ्रमण करते हैं तो उसके दौरान कौन कौन सी चीज़ों पे काम किया गया है 2 साल के अंतर्गत में आपके क्षेत्र? देखिए, मैं बताऊं कि जिस 2020 जब मैं फरवरी में जीत कर आया, तो मार्च, जैसे ही मार्च आया, मार्च आते ही लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के बाद में आपको पता है स्थिति बहुत भयानक थी, बहुत ज़्यादा परेशानी थी, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। कोरोना के दौरान अनेक प्रकार की परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी, जिसको लेकर के सरकार ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। हम लोगों ने गरीब लोगों, क्योंकि गरीब लोग ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उनके काम धंधे वगैरह सभी छूट गए थे, और कब जब उनके काम धंधे छूट गए तो उनको वो भुखमरी के कगार पर आ गए थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो सरकार ने सभी जितने भी राशन कार्ड धारी थे, हमारे 73 लाख जो दिल्ली के अंदर, उन सभी को राशन कार्ड से राशन फ्री दिया, आधार कार्ड से फ्री दिया, और पहचान पत्र से भी दिया है, और जो हम MLA हाँ कूपन विधायकों को जो कूपन दिए गए, कूपन के आधार पर भी हम लोगों ने राशन मुहैया कराया है। और अभी भी सरकार के द्वारा लगातार राशन आम जनता को दिया जा रहा है। फिर कोरोना के दौरान बना हुआ राशन भी स्कूलों के अंदर हम लोगों ने लोगों को दिया, कि लोगों को बनाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि गरीब लोग थे, परेशान थे, काम धंधे छूटे हुए थे। तो सरकार ने बहुत ही प्रयास किए, कोशिश की। फिर हमने NGO के द्वारा भी कराया, हमने अपनी तरफ से भी किया और प्रयास किया सर, कि कोई भूखा ना रहे। सबसे बड़ा प्रश्न जो हमने, मतलब आपके विधानसभा का निरीक्षण किया था, उस निरीक्षण के दौरान हमें तमाम सवाल आए हैं लोगों का, और इवन मैंने खुद जा करके वहाँ निरीक्षण किया है ना सर। एक प्रश्न है कि DCP CR जो है, उसकी एक रिपोर्ट आई है, उसके अंतर्गत जितने भी सेल्टर्स एरिया हैं, उन तमाम एरियाओं में, मतलब जो इंडस्ट्रीज एरिया है, खासतौर से बवाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है इंडस्ट्रीज एरिया, तो उसमें जो बच्चे हैं उसके अधिकार को ज़्यादा हनन किया जा रहा है जी। ये रिपोर्ट है DCP CR की, है ना? देखिए, DCP CR की क्या रिपोर्ट है मैं नहीं कह पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि जो जो अधिकार है सर, जो बच्चों का जो अधिकार है, जो छोटे बच्चे हैं, जो 18 साल से नीचे हैं, उनका जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। सरकार ने प्रयास किया है हर तरीके से, हम लोग, हमारी जो सरकार, जो 18 से कम उम्र के वो भी फैक्ट्रीज एरिया में जाकर के काम करते हैं जी, ठीक है, उसकी वो मजबूरियाँ हैं कि बहुत से जो बच्चे हैं वो मजबूरी के कारण फैक्ट्री एरिया में जाते हैं, लेकिन फैक्ट्री मालिकों को और वहाँ पर जो लोग हैं उनको देखना चाहिए कि इस बच्चे की जो उम्र है वो 18 साल हो गई है, नहीं हो गई है, तो उसे काम पे रखा जाए। इस पर आप क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, हमारी सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, हर तरीके से कोशिश की जा रही है। अभी योगा टीचरों की 400 योगा टीचरों की भर्ती सरकार ने की है, जो हमारे सिविल डिफेंस के जो बच्चे थे, सिविल डिफेंस में भी हजारों बच्चों को सरकार ने रोजगार दिया है, लाखों बच्चों को रोजगार दिया पूरी दिल्ली के अंदर। और भी जो आप कह रहे हैं डिफेंस वाला, उसमें सर एक सबसे बड़ी आई है कि लोग क्या किया जा रहा है कि वहाँ पर जो भी बच्चे जाते हैं अपना इम्तिहान देने के लिए या जो भी ट्रेनिंग देने के लिए, तो उस दौरान उसे 25,000 रुपये लिया जाता है, और 25,000 ले करके फिर उस पर, मतलब आगे बढ़ाया जाता है उनको, वही 700 से 800 रुपये का रोज़ दिया जाता है। तो देखिए, मैं आपको बताऊँ कि ऐसी कोई खबर मेरे पास नहीं है कि 25,000 रुपये लिए जाते हैं। अगर ऐसी कोई बात है तो आप मुझे मेरे संज्ञान में लेके आए, मैं उस पर कार्रवाई कराऊँगा। उसके बावजूद सर एक और है कि बवाना विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा क्राइम है ना, क्राइम का लेवल अधिक से अधिक हो रहा है। इवन आप फोन ऐसे लेकर चलिएगा तो आपके हाथ से छीन लिया जाएगा, इवन शराब, तमाम चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि बवाना विधानसभा ही क्या, पूरी दिल्ली के अंदर जो क्राइम का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ गया है, और उस चीज़ को, उस चीज़ को लेकर के ये दिल्ली पुलिस का काम है कि दिल्ली पुलिस जाकर देखे, उसको कम करे। और इस चीज़ को लेकर के मैंने भी अपनी बवाना के अंदर, क्योंकि मैं बवाना का विधायक हूँ, मैंने प्रयास किया कि यहाँ पर जो क्राइम रेशो है वो कम हो, और उसको लेकर के मैंने दिल्ली विधानसभा के अंदर भी अभी प्रश्न लगाया था, और मैंने दिल्ली पुलिस आयुक्त
होम मिनिस्ट्री को भी लेटर भेजे हैं कि दारू चरस अफीम सट्टा गांजा का जो व्यापार है वो काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो गरीब बच्चे हैं वो परेशान हैं और गरीब लोग परेशान हैं, आतंक के साए में रहते हैं लोग। और ये ज़रूरत है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, आज हमारे पास मौका है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को बचाएं। अगर हम ये युवा पीढ़ी अगर अपने रास्ते से भटक गई तो जो हमारा आने वाला जो कल है वो बेकार हो जाएगा। बवाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 34 और वार्ड नंबर 32 में, वहाँ के शायद आपके ही पार्षद हैं वहाँ भी, वार्ड नंबर 34 में है ना, तो उस दौरान जब हम लोग सर्वेक्षण कर रही थी मेरी टीम, तो उस दौरान देखा है कि वहाँ का रोड वगैरह तमाम चीज़ें बहुत समस्या है। मैं आपको बताऊं कि वार्ड नंबर 34 वार्ड 34 के अंदर जितने पार्क वगैरह हैं वो क्योंकि वो MCD के अंडर में आते हैं, वो हमारे अंडर में नहीं आते हैं। और जो रोड आपने देखा है टूटा हुआ वो DD का रोड है, वो दिल्ली सरकार का रोड नहीं जी। पूरे बवाना विधानसभा क्षेत्र में पानी की सीवर सेवा जो है, तमाम चीज़ों में कई समस्याएं हैं। कई लोगों ने आकर के हमें बताया सर ये बातें हैं, अगर आप हमारी बात विधायक जी के समक्ष रख सकते हैं तो रखिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जब से दिल्ली के अंदर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी है, तब से लगातार विकास की जो दर है बहुत तेज़ हो गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरा कृष्ण विहार का जो एरिया है, जहाँ पर पिछले 30 सालों में कभी सीवर लाइन नहीं पड़ी थी, आज उसमें हम लोग सीवर लाइन डाल रहे हैं। जहाँ मैं मेरा वार्ड नंबर 34 का एरिया है, ये 23 के अंदर हमारी ग्राम सभा है 20 सूत्री कार्यक्रम की, उसमें भी हम जल्दी काम स्टार्ट करने वाले हैं। और हमारा जो वार्ड नंबर 33 का जो एरिया बेगमपुर, जिसके अंदर 9 कॉलोनियाँ आती हैं, उसके अंदर भी हमने सीवर लाइन का काम चालू कर दिया है, पानी की लाइनें डाली हैं और अभी जल्दी ही गलियां बनाना स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको बताऊं अभी ग्रुप ऑफ कॉलोनीज के तहत ग्रुप ऑफ कॉलोनी साबा दौलतपुर के अंदर भी हमारी जो स्कीम है वो पास हो गई है, और अभी जल्दी ही हम लोग यहाँ पर भी जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं, साबा डेयरी है, रिसेटलमेंट कॉलोनी है, इन सभी के अंदर हम लोग सीवर लाइन डाल रहे हैं। इसके साथ आप सदस्य भी हैं रिसेटलमेंट के जी, मैं बताना चाहता हूँ। फिर हम लोग बवाना को लेकर भी प्लान कर रहे हैं, बवाना जे कॉलोनी को लेकर प्लान कर रहे हैं, और उसके लिए भी हम लोगों ने सरकार को लिखा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ बवाना जे कॉलोनी के FGHIJKLM ब्लॉकों के लिए भी मैंने दिल्ली विधानसभा के अंदर प्रश्न उठाया था, और उनकी जो समस्या का समाधान करने के लिए मैंने DDA को, दिल्ली जल बोर्ड को लिखा है, और फटाफट हम जल्दी काम कराने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें जल्दी से जल्दी काम हो जाए, क्योंकि वो DDA के पास है अभी, DDA से हम हैंड ओवर टेक ओवर करने वाले हैं। जैसे ही वो दिल्ली सरकार के पास आ जाएगी, MCD के पास आ जाएगी, तो हम लोग उसको जल्दी से जल्दी काम करेंगे उसमें तेज़ी से। बेरोजगारी लेवल बहुत ही अधिक है, आपको भी पता होगा बेरोजगारी, मतलब लोगों को बताया जा रहा है कि 18,212 रुपये समथिंग सरकार ने निर्धारित किया है ना, लेकिन उतना लोगों को मिलता नहीं है। यदि आप फैक्ट्रीज एरिया में चले जाइए, जो इंडस्ट्रीज एरिया है वहाँ चले जाइए, तो आपको मिलेगा क्या 7-8 हज़ार रुपये महिलाओं को दिया जाता है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा है 10 हज़ार दे दिया जाता है, और उसके आधार पर काम करवाया जाता है। इवन 1-2 घंटा काम नहीं, 12-12 घंटा काम करवाया जाता है, उसका भी उनको जो उनकी राशि होनी चाहिए वो राशि नहीं मिलता है जी। देखिए सरकार ने अपनी तरफ से कार्य कर दिया है, सरकार ने अपनी तरफ से 18,000 ना जी, वो तो कागज नहीं, सरकार तो इम्प्लीमेंट करती है, जो लेने वाला है उसको वो कंप्लेन करे कि मुझे कम पैसे दिए जा रहे हैं, तो सरकार उस पर एक्शन लेगी। हमें बताया जाएगा अगर कंप्लेन करने वो जाता है तो जो आपका पुलिस प्रशासन है वही उससे ले लेगा 5,000 रुपये, तो बेचारा कहाँ से देगा वो। इस बात को प्रशासन को कंप्लेन नहीं करनी है, उसको हमारा जो विभाग है श्रमिक कल्याण बोर्ड उसके अंदर उनको, आप सोचिए नॉर्मल सी बात सोचिए कि यदि मान लीजिए मुझे कुछ दिक्कत है, ठीक है हम विधायक जी को कह सकते हैं, ठीक है हम प्रशासन में कहते, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं है ना, लेकिन वो लोग जो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं वो बेचारे क्या करेंगे, उनके लिए क्या सुविधाएं हैं। देखिए उनको कंप्लेन करनी चाहिए, हमें बताना चाहिए कि सर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पे कम पैसे दिए जा रहे हैं, तो उसमें हम लोग कोशिश काम उसमें उनकी मदद करेंगे। वो डायरेक्ट आपको आगे कह सकते हैं? हाँ मुझे भी बोल सकते हैं आप उस पर। हाँ बिल्कुल कार्रवाई करवाएंगे। पुट अस्पताल है सर, उसमें लोगों का ये कहना था कि यदि वहाँ पर लोग जाते हैं, जो एक बड़ा अस्पताल है पुट अस्पताल है आपके क्षेत्र के अंतर्गत, उस अस्पताल में यदि कोई नॉर्मल भी डिलीवरी के लिए या समथिंग के लिए नाइट हो जाता है, यदि इमरजेंसी सुविधा सपोर्ट लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर वहाँ के डॉक्टर्स वहाँ के जो नर्स है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी अनदर अस्पताल में, हॉस्पिटल्स में। तो देखिए पता क्या है, ये सुनने मुझे भी आया था, लेकिन अब इतना ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा इमरजेंसी जो केस होता है उसी को ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी अवेलेबिलिटी डॉक्टर की कम है। उसको लेकर के मैंने सरकार को लिखा है और मैंने कोशिश की है, और क्योंकि उसको लेकर के मैं जो सेक्रेटरी हेल्थ है उनसे भी मिला हूँ और उनसे भी मेरी बात हुई है, तो ऐसा नहीं है, जो ज़्यादा ही इमरजेंसी केस होता है उसी को ट्रांसफ़र किया जाता है, अदरवाइज सारी डिलीवरियाँ जो MBH है उसमें की जाती हैं, महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल में। सर ऐसे बहुत सारे सवालात हैं लेकिन वक्त कम है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।